संबल में शिक्षा विभाग के कारनामे की पोल खुलकर सामने आई है, जहां तत्कालीन नगर शिक्षा अधिकारी ने कोड़ियों के भाव दो स्कूलों का मलबा बेच दिया, नियम कानून को ताक पर रखकर बगैर अनुमति मलबा बेच दिया। अब इस मामले में डीएम ने संज्ञान लिया है और जांच कर कार्यवाही की बात कही है। दरअसल नगर शिक्षा अधिकारी संबल शशि बाला पर आरोप है कि उन्होंने संबल के सराय तरीन और कोट पूर्वी प्राइमरी दो स्कूलों का मलबा बेच दिया, वह भी कोड़ियों के भाव। इस मामले में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के संगठन मंत्री मीना बेगम ने डीएम को शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। डीएम संबल संजीव रंजन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए पूरे मामले की विस्तृत जांच कराकर कार्यवाही की बात कही है। अब देखना यह होगा कि इस मामले में तत्कालीन नगर शिक्षा अधिकारी शशि बाला के खिलाफ प्रशासन क्या कार्यवाही करता है। मीना बेगम, क्या है आप? सहायक अध्यापक हूँ मैं, प्राथमिक विद्यालय सिंहपुर सानी। अच्छा, आपने डीएम साहब को एक शिकायती पत्र दिया है, क्या है पूरा मामला वो? सर, मेरा पूरा मामला ये है कि मैं नगर क्षेत्र में शशि बाला मैडम जो खंड शिक्षा अधिकारी तत्कालीन में थी, उन्होंने हमारे संभल के दो विद्यालयों को, यानी एक सराय तरीन में है भाले भान में और एक है मोहल्ला कोटपूर्वी में, इन्होंने दो विद्यालयों को नियमों को ताक में रखते हुए बिल्कुल नियमों के विरुद्ध इन्होंने दोनों विद्यालयों का ध्वस्तीकरण करा दिया था, नीलामी कर दी थी, जिसका सारा पैसा जो था इन्होंने ये अपने पास रखा, जो कि सारी चीज़ें जो उन्होंने की हैं वो नियम के विरुद्ध थी। परंतु जो विद्यालय की संपत्ति थी वो हमारे संभल के नगर पालिका की संपत्ति थी, जिसको तोड़ने या ध्वस्तीकरण नीलाम कराने से पहले नगर पालिका के अधिकारी की परमिशन ली जाती। बिना नगर पालिका के अधिकारी की परमिशन लिए उन्होंने विद्यालयों का ध्वस्तीकरण एवं नीलामी करा दी, और जिसको का मामला संज्ञान में आने पर भी, यानी जिलाधिकारी महोदय को शिकायत देने के बाद भी 30 तारीख से मैं बार बार उनको शिकायत जारी कर रही हूँ, शिकायत दे रही हूँ, परंतु मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस पर क्यों संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जो कि हमारे सरकारी संपत्ति हैं और सरकारी उसमें बच्चे बैठते हैं, शिक्षा के मंदिर को उन्होंने बिना जिला अधिकारी या बिना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की अनुमति लिए बिना, नगर पालिका के बिना अनुमति लिए बिना उन्होंने सारे विद्यालयों की संपत्ति को नीलाम कर दिया, जिसकी शिकायत बार बार मैं देखती हूँ कि सभासद जो है नगर सराय तरीन के, वो भी बार बार उसकी शिकायत कर रहे हैं, परंतु जिलाधिकारी महोदय के तरफ से मैं इस बात पर आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी क्या परेशानी है, ऐसी क्या परिस्थिति है जो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी और बार बार सारी चीज़ें बार बार शिकायत करने के बाद भी जिलाधिकारी महोदय इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। मेरा बस यही कहना है कि अगर जो भी उन्हें कुछ करना है या मैं इतनी शिकायतें कर रही हूँ तो उसका मुझे कोई आश्वासन तो मिले कम से कम कि उनके खिलाफ जांच बिठा दी गई है, बाबुओं के खिलाफ जो कितने समय से आप ये शिकायतें दर्ज करा रही हैं? मुझे एक महीना हो गया लगभग, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। कार्रवाई तो क्या, कोई सुनने को, मतलब कोई जवाब, कोई रेस्पॉन्स देने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, मतलब एक खंड शिक्षा अधिकारी हमारे जिला अधिकारी महोदय के ऊपर तो नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताइए, जो इन्होंने नीलाम किया वो उन्होंने अपनी मर्जी से किया, उसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं था, और वो नगर पालिका की संपत्ति थी, वो नगर पालिका की ही भूमि थी, आप संपत्ति की बात नहीं कर सकते सर। भूमि भी नगर पालिका की थी, संपत्ति भी नगर पालिका की थी, जो नगर पालिका के पृष्ठ संख्या 150 पर अंकित भी है। अच्छा, ये बताइए, उन्होंने जो नीलामी इन्होंने की, तो नीलामी का पैसा भी इन्होंने सरकारी खाते में जमा नहीं किया? सरकारी खाते में जमा नहीं किया। जब सराय तरीन के सभासद राजकुमार सर ने इसको देखा कि हमारे चुनाव नजदीक आ गए, बूथ कहाँ बनवाए, इलेक्शन कहाँ पड़ेंगे, भवन तो नीलाम कर दिया गया है, जब इस मामले को उन्होंने उजागर किया, शिकायत करी उन्होंने जिलाधिकारी महोदय से, तो इन्होंने जब देखा कि मामला संज्ञान में आ रहा है, तो जो ये बाबू है नगर पालिका URC पर बैठते हैं मोहम्मद जाहिद ने 1,40,000 रुपए कैश लेकर के तुरंत जल्दी से खाते में जमा कर दिए कि कहीं हमारा मामला पकड़ में ना आ जाए, जो कि बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है। अच्छा, तो ड्राफ्ट लेकर के जमा किया जाता है। क्या चाहती हैं आप इसमें? मैं चाहती हूँ कि इस पर संज्ञान लिया जाए, जिलाधिकारी महोदय पूरी तरह से इस पर निष्पक्ष जांच कराए, मुझे आश्वासन दें कि हम इस पर निष्पक्ष जांच करेंगे, अगर वो बिल्कुल दोषी नहीं है तो उन पर कोई कार्रवाई ना करें, और अगर दोषी है, मेरी निगाह में तो अभी तक फिलहाल दोषी है, तो उस पर कार्रवाई। अगर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पाती तो क्या करेंगे आप?
कार्रवाई नहीं हो पाती है तो क्या करेंगे? आप कार्रवाई नहीं होने की बात कर रहे हैं सर। मैंने इसका मामला, इस मामले को सतीश चंद द्विवेदी जो हमारे बेसिक के मिनिस्टर हैं उन तक को अवगत करा दिया है। तो मान लीजिए चाहे अब वाले मुख्यमंत्री हों या आने वाले नए मार्च 2022 के मुख्यमंत्री हों, मैं उनको, जब ये लोग मेरे अधिकारी यहाँ का शासन हमारी बात नहीं सुनता है तो मैं आगे की सख्त कार्रवाई कर वो सख्त एक्शन मूड में आऊँगी। हो सकता है कि मैं धरने पर भी बैठूँ जब तक उनका आश्वासन नहीं मिले। आप किसी संगठन से भी जुड़ी हुई हैं आप? हाँ, मैं संगठन से उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संगठन में मेरा संगठन मंत्री का पद है जो मैं कार्य करने में सक्षम हूँ। ये देखा है कि जब हम लोगों की बात को नहीं सुना जा रहा है, इतनी बातों, इतना बार बार अवगत कराते हुए भी नहीं सुना जाता है तो आम नागरिक तो शायद हमारे देश में उसकी कोई सुनवाई नहीं हो। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में है और इसकी हम जांच कराएंगे। चुनाव की व्यवस्था के कारण से इसकी जांच संभव नहीं हो पाई थी। इसकी जांच कराने के बाद जो भी नियमपूर्वक कार्रवाई की जानी होगी वो कार्रवाई किया जाएगा। अच्छा, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए थे, क्या ये आरोप जो उन्होंने बताए हैं कि ये जो तत्कालीन नगर शिक्षा अधिकारी थी उनके द्वारा ये किया गया है, तो क्या शिक्षा विभाग के संज्ञान में ही तो मामला सर पूरा किया गया? अब इस पर मुझे टिप्पणी करना थोड़ा सा कठिन लग रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसके तह में गया नहीं है। तो अभी हम जांच कराने के बाद इस पर प्रॉपर कार्रवाई करेंगे, आपको भी बताया जाएगा।